इस गर्मी में तो हालत खराब कर दी है। क्या दोस्तों आपको भी लग रही है गर्मी? चलिए आइए एसी ऑन कर लेते हैं। इस एनवी को 110 एसी है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। 3-star एसी है और इसमें डुअल इन्वर्टर दिया हुआ है। दोस्तों 2020 का ये बेहतरीन मॉडल है जो कि टॉप क्लास मॉडल है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला एसी माना गया है। इसे 5-star लिया गया है अमेजन पे। आइए इसके बारे में फंक्शन देखते हैं। इसे ऑन करते हैं। बाय डिफॉल्ट 24 पे ऑन होता है और इसे आप इकोनॉमी मोड 26 पे भी सेट कर सकते हैं। इस एसी की जो कैपेसिटी है 110 की है, लेकिन इस अपने 110 के परफॉर्मेंस से ज़्यादा ही कूलिंग देता है। मैं बात करूँ इस 110 एसी की जो रेंज होती है वो 100 स्क्वायर फीट के रूम के लिए कंफर्टेबल होती है। उतने में बहुत अच्छा चलता है, अच्छा कूलिंग रखता है। लेकिन ये जो सैन्यो का जापानीज टेक्नोलॉजी दिया गया है इसमें आपको 150 स्क्वायर फीट की रेंज ये कवर करता है जो कि पावरफुल एसी है। 27-28 डिग्री पे भी सेट करें तो इकोनॉमी मोड पे बहुत अच्छा खासा कूलिंग आपको देता है। एसी की जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन है ईयरली ये 686 यूनिट लेता है, तो अगर आप डिवाइड करें 12 से तो काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट में ये आपको मिल जाता है। काफ़ी रिजनेबल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हो जाता है और इसकी प्राइस रेंज की भी बात कर लें तो काफ़ी रिजनेबल है। 25,990 रुपीज़ अमेजन पे आपको लिस्टेड है और उतनी ही प्राइस में आपको मिल सकता है। EMI भी करवा सकते हैं ईजी पेमेंट के लिए। आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, रिमोट को देख लेते हैं। तो ये छोटा सा रिमोट दिया गया है इसमें और ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। तो ऑन ऑफ के बटन दी गई, टेम्परेचर अप एंड डाउन दिया गया है, मोड है, ईको मोड इसमें मिल जाता है आपको, एयर स्विंग मिल जाता है, 5 लेवल्स की एयर स्विंग है और इसमें ग्लेशियर मोड मिल जाता है जो कि सबसे कूलिंग मोड होता है। ये फैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्लीप मोड डाल सकते हैं इसमें, ऑन ऑफ ये दोनों टाइमर सेट कर सकते हैं और उसे कैंसिल करने के लिए कैंसिल की बटन दी गई। डिस्प्ले की जो बटन दी गई है, ये जो स्क्रीन पे आपको एसी की डिस्प्ले यहाँ पे आती है 24 लिखा हुआ है, इसे आप प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं क्योंकि जब रात में लाइट ऑफ हो जाती है तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव होता है, इसे भी आप ऑफ कर सकते हैं। और ये क्लीन की बटन दी गई है, क्लीन के बटन नॉर्मली ये काम नहीं करती है जब एसी जब तक इंडिकेशन नहीं देता है कि क्लीनिंग मोड में वो क्लीनिंग के लिए जब वो अपील करेगा या इंडिकेट करेगा तब आप इसे प्रेस करेंगे तो क्लीनिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। इस एसी की खासियत बता दूं दोस्तों को, ये जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं ये ऑन हो जाती है, लेकिन जब इसे ऑफ करते हैं आप, मैं आपको दिखाऊं, जब इसे ऑफ करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है और इसकी जो पावर बटन है वो रेड कलर की जलती रहती है। ये क्लीनिंग टाइम है इसका, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सेस वाटर बाहर निकाल देता है। तो इस टाइम पे आप बटन ऑफ नहीं करेंगे जब तक कि पूरी तरह ये फ्लैट बंद नहीं हो जाता है। ये जो है इसका क्लीनिंग टाइम ऑटोमेटिक इसमें दिया गया है, ये खास फीचर है इसमें। बाकी एसीज में क्लीन की बटन दी गई है, उससे क्लीन मोड में आपको करना पड़ता है। ये तब करना पड़ेगा, क्लीन मोड तब काम करेगा जब इस इंडिकेशन वहाँ रेड बटन अभी ऑफ हो गई है रेड लाइट, जब वहाँ इंडिकेशन आता है बंद करने के बाद भी रेड लाइट जलती रहती है, वो इंडिकेट करता है कि इसे क्लीन करना। तो हर एसी की तरह इसमें भी 3 मोड दिए गए हैं। इसमें आप मोड्स में देखेंगे ड्राई मोड दिख रहा है, इसमें फैन मोड है, ऑटो मोड है, कूल मोड है और ड्राई मोड है। ये कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, या सेट करने के लिए अगर टाइमर आपका चेंज हो गया हो ये सेट कर सकते हैं। चेक का ऑप्शन दिया गया जो कि आपको पेन या किसी नुकीले चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ये लॉक का ऑप्शन है, इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो पूरी बटन लॉक हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग जब सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे इसे रख के सोते हैं और गलती से अगर कोई बटन दब गई तो एसी की फंक्शन चालू हो सकती है। तो ये लॉक बटन सेफ्टी दिया गया है। रीसेट करने के लिए दिया गया है एसी एंड आरसी की बटन। इसकी इंस्टॉलेशन 2-3 दिन में हो गई थी, वहाँ के इंजीनियर पैनासोनिक के इंजीनियर से कॉल आता है, शेड्यूल की जाती है कॉल्स और वो आते हैं इंस्टॉल करके जाते हैं, उनकी जो चार्जेज होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। आउटडोर को लगाने के लिए अलग अलग सिस्टम है, जैसे भी आपकी जगह हो उस तरीके से आप उसे लगवा सकते हैं, उसकी अलग चार्जेज होती है। आइए आउटडोर के पास चलते हैं। ये मेरी आउटडोर फिट है दोस्तों, फ्रंट साइड का मैं नहीं दिखा सकता, बैक साइड का दिखा सकता हूँ। नॉर्मली एक जाली यहाँ पे लगाई गई है, इसकी ड्रॉबैक मैं बताता हूँ। इसकी जो पैनल दी गई है बैक साइड की बहुत साफ़ है,
अगर ये किसी गलती से किसी के हाथों पे भी लग जाती है तो हार्ट कर सकता है। बच्चे अगर घर में हो तो इसे पैक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये भी मेरे पास एक कैरियर का आउटडोर है जिसमें ऑलरेडी ये जाली लगी हुई है, ये प्रोटेक्शन पहले से दिया गया है, इस तरीके से ये सेफ्टी बनी रहती है। लेकिन सैन्यों में ये प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ये अलग से मैंने लगाया है। तो प्रोटेक्शन अगर आपको संभाल कर रखना है, बच्चे हैं घर में, ये ज़रूर लगाइएगा। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है और इसमें कॉपर की कंडेंसर्स दी गई है और आपको 2.5 mmPF फिल्टर मिल जाता है इस एसी में। इस एसी की प्राइस मैं आपको बता दूं, अमेजन से 25,990 rupees में आप खरीद सकते हैं, इजी EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं इस अमाउंट को और नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाती है। पैंडेमिक चल रहा है तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। ऑफिशियल इस एसी को 120 square feet रूम साइज के लिए दिया गया है, लेकिन आप इसे 160 square feet के लिए भी यूज कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी इसमें मिल जाती है। अगर इस एसी को आप परचेस करना चाहते हैं या कोई क्वेरी है तो कमेंट में डाल सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे क्लिक कीजिए और इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो में एक और एसी के बारे में मैं बताऊंगा जो आपको होम और ऑफिस दोनों के लिए यूज कर पाएंगे। इस एसी को भी आप होम और ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस पावरफुल एसी है और कॉस्ट सेविंग करती है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई क्वेरी हो वो भी बता सकते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।